हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्य के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज की। तो चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रूशियल है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर के वे स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई, निर्देश दिया गया है केवल निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त जो विकल्प है, ये तो हमें सब जगह देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। तो एक शिक्षक जो है वो खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पे जो है वो प्रयोग करता है। और वो क्या प्रयोग करता है, देखिए शिक्षक जो है वो बच्चों के समूह को बनाकर उनको प्रयोगों से संबंधित सामग्री देता है। तो शिक्षक जो है वो बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ये यहाँ पे पूछा है। तो ये जो यहाँ पे है कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हैं वो हम पढ़ेंगे पहले। ये जो है वो सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये जो है वो बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या फिर जो है वो समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का जो है वो प्रभावशाली तरीका है, या फिर कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो हमें इन पॉइंट्स को कंबाइन करके बताना है कि इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या होगा। देखिए, अगर बात करते हैं एक शिक्षक जो है वो बच्चों के लिए जो समूह बनाता है तो वो क्यों बनाता है, ताकि वो जो अपने साथियों के साथ खुले मन से जो है विषय वस्तु को वो जो है उसका समर्थन कर पाए, या फिर कह सकते हैं ना अपने विचारों को, भावों को, अभिव्यक्ति जो है वो उसको वो अभिव्यक्त कर पाए। तो समूह अधिगम का जो प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। और इसके अलावा क्या, तो उनको जो है वो आवश्यकता पड़ने पे शिक्षक की सहायता भी प्राप्त होती है। तो समूह अधिगम में छात्र जो है वो अधिक स्वतंत्र होके समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो समूह अधिगम में जो छात्र है वो अपने विचारों को पूर्ण रूपेण जो है वो प्रकट कर सकते हैं, यानी कि जो शिक्षक है वो सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और उसी के साथ में जो है वो बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो ये दोनों पॉइंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। बात करते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट की। तो समूह अधिगम जो है वो बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम प्रभावशाली तरीका है। तो ये बिना बोझ के अध्ययन का प्रभावशाली तरीका तो है, लेकिन ये इतना एप्रोप्रिएट नहीं है कि भाई खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर बात करने के लिए ये जो है वो उनका जो है समूह बनाया जाए। और कक्षा में अनुशासन को रखने के लिए, तो देखिए अनुशासन बनाने के लिए ग्रुप से जो है बच्चों को डिवाइड किया जाता है, ना कि ग्रुपिज्म बनाया जाता है। ग्रुप बनाएंगे तो और ज़्यादा चपड़ होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड जहाँ पे भी आपका होगा वो बिल्कुल सही है। सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे है आपका, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, या फिर याद करना। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना जो है वो एक संकेतक के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि याद करते हैं कोई चीज़ तो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए कोई भी चीज़ जो है ना रटने से नहीं आती है, ठीक है, उसको आप समझ लेंगे एक बार समझ में आती है बात, लेकिन रटना, याद करना, हम इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बच्चे को जो है वो मोटिवेट करते हैं कभी भी। तो यहाँ पे याद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रश्न पूछना हो गया, न्याय समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता भी कह सकते हैं, लेकिन याद करना ये जो है वो इसका संकेतक नहीं होना चाहिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो भाई पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है क्या, सीखने के लिए आकलन CCE यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीखने के समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भाई सीखने के लिए आकलन CCE, सीखने के समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन। तो भाई पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें जिसमें शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना है, तो स्व आकलन का मीनिंग क्या है, सीखने के समान आकलन से है, ठीक है। अब सीखने का जब समान आकलन होगा तो यही कहलाता है भाई कि ये जो है ये आकलन वह प्रक्रिया होती है जो विद्यार्थियों के संप्राप्ति को मापने के लिए भाई बनाई जाती है, वो कितना जो है वो स्वयं अपने हिसाब से मतलब क्या क्या उसने सीख लिया है इस चीज़ के लिए बनाई जाती है। अब CCE जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, विद्यार्थियों को जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है इससे होता है, जिसमें उनको कोई भी जो विकास होता है वो उसके सारे पक्ष इसमें शामिल होते हैं। और ये जो है वो बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर जो है वो हम बल देते हैं, और ये उद्देश्य एक ओर मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर, दूसरी ओर से व्यवहार के परिणामों पर आधारित होती है। तो इसे जो है वो 2009 में हम स्टार्ट किए थे CCE, ये तो हम सबको पता ही होगा 2009 से स्टार्ट हुआ है CCE, तभी से स्कूल में बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका है टीचर्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी आपका करेक्ट है।
रेटिंग स्केल में भाई कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो अधिविन्यास, लिखित प्रश्न अवलोकन या फिर जांच सूची। देखिए रेटिंग स्केल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मात्रात्मक या गुणात्मक विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो डिजाइन की गई श्रेणियां हैं उसका एक समूह है ये, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, प्रायः क्या करते हैं ये लोग, अवलोकन तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवलोकन तकनीक का। अब जिसमें अवलोकनकर्ता के द्वारा चेकलिस्ट बनाई जाएगी, अवलोकन चार्ट बनाया जाएगा, अवलोकन अनुसूची बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी, उपकरणों का प्रयोग होगा, वही होता है आपका सब अवलोकन। अवलोकन मतलब क्या, उसको जो है वो ऑब्जर्व करके कोई चीज का बनाना है कोई चीज, ठीक है। तो अवलोकन वो होता है ऑब्जर्वेशन करना टाइप का। अब निम्नलिखित में से भाई कौन है जो कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य इसमें से नहीं है? तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास, या फिर बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो नहीं कौन सा है कि उनको जो है वो परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई पाठ्य पुस्तक दे दिए और बोलेंगे भाई रटंत ज्ञान करके आ जाना, कल रट के आ जाना, ये परिभाषा पूछी जाएगी, तो ये जो है वो इसका मेन मोटो नहीं है पर्यावरण का, या किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है मेन मोटो ये। तो और क्या क्या इसका मेन मोटो है, तो भाई देखिए बच्चों की जिज्ञासा सृजनात्मकता का पोषण करना, जी बिल्कुल, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल, और बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के लिए सबसे बेस्ट है खोजना और क्रियाकलापों से जो है वो जोड़ना। तो कौन सा इसमें से उद्देश्य नहीं है, पहला ही नहीं है भाई कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अब निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा संकेतक है जिसमें बच्चों का आकलन जो है वो चित्र पढ़ने के द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है या उनके द्वारा हो सकता है? तो अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो यहाँ पे मिला के कंबाइन करके आपको आंसर्स बताना है ए बी सी डी में से। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन में बच्चों द्वारा चित्र पढ़ना एक अगर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इस इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में बच्चों की जो है वो अभिव्यक्ति भी आती है, यानी कि हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की, ये तो आ गया। विश्लेषण भी आता है, तो विश्लेषण भी आ गया। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा अभिलेखन भी आ जाता है, अवलोकन और अभिलेखन। ऑब्जर्व करते हैं, अभिलेख बनाते हैं, लिखते हैं, अभिव्यक्ति होती है, विश्लेषण करते हैं, उनको छांटते हैं, फिर गैदर करना एंड एवरीथिंग, और उसके हिसाब से जैसे संकेतों का आकलन हो सकता है। और आकलन का जो अभिप्राय होता है वो अंतिम निर्णय से नहीं बल्कि एक प्रक्रिया होती है, जो आकलन करते हैं हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा एक लास्ट डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करने का डजंट मीन कि हम वही उसको कंक्लूड करने वाले हैं एट द एंड। और यहाँ पे जिसके द्वारा भाई विभिन्न प्रेक्षण कर सकते हैं, इसके मध्य जो है वो तुलना करना वगैरह हो जाता है, जिसमें विश्लेषण आपका आ जाता है। और आकलन का उद्देश्य क्या होता है, सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीनों जो चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाती हैं, अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रयोग करना जो है वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चित्र पढ़ने में प्रयोग कहाँ से आएगा, ये कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो उसमें प्रयोग करना तो बिल्कुल भी वैसे भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पे हमको विचार करना है और फिर बताना है। एक फसल प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक फसल प्राप्त कटने के बाद भाई जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही दिया है ये। तो इस जगह को जो है वो बांस या खरपतवार जंगल जैसा उग जाता है तो उसे उखाड़ के जला देते हैं, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये तो कहीं सही नहीं लग रहा है। जब इस जमीन की खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे जो है वो गहरा जोता जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शंस सही दिए गए हैं। देखिए झूम खेती की अगर बात करें ना, तो झूम जो है वो किस टाइप की खेती है, यहाँ पे जो है ना पहले क्या करते हैं, जो भी वृक्ष वगैरह है ना, जो भी झाड़ फूड रहते हैं, पेड़ पत्ते, छोटे बहुत पौधे वगैरह या सब उसको काट के जला देते हैं और साफ कर देते हैं वो पूरी ज़मीन को, और वहाँ पे फिर जुताई करके बीज बो देते हैं। और फसल जो है वो फिर पूर्णतः क्या है, डिपेंड हो जाती है नेचर के ऊपर, भाई जब बारिश होगी तो उस पर जो है वो खेती कर पाएंगे। और जब तक मिट्टी में उर्वरकता रहती है
तब तक इस भूमि पे क्या करते हैं ये लोग, कृषि करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, जब इस भूमि को फिर उसके बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इस प्रकार का स्थानांतरण क्या होता है, एक बोलते हैं ना स्थानांतरणशील कृषि है ये, मतलब बोलते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे, ये स्थायावर कृषि नहीं है, ये स्थानांतरित कृषि है, यानी कि स्थान चेंज कर करके ये लोग जो है वो कृषि करते रहते हैं। और इसी कृषि को हम किस नाम से जानते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बहुत होता है, यानी कि पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो आदिम जनजाति टाइप के लोग रहते हैं वो लोग इसको करते हैं। अब ये जो है इसी खेती को ना, झूम खेती को श्रीलंका वगैरह में इसे चेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चेना। अगर कभी पूछ ले तो श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, और हिंदेशिया में से लद्दाख कहा जाता है, और रोडेशिया में से मिल्पा कहा जाता है इसी सेम झूम खेती को। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, श्रीलंका में इसी झूम खेती को चेना कहते हैं, हिंदेशिया में लद्दाख कहते हैं, रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। ये जो खेती है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे अप्रोप्रिएट और एक ही है आंसर, कि देखिए जो यहाँ पे लिखा ना केवल एक, ये आपका उत्तर सही है। ये जो फसल है इसको काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पाया जाता है कि लोग जो है वो अपने घर जो है वो पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से बनाए हैं, ये घर जो है वो दो मंजिलों के हैं और नीचे मंजिल पे जानवरों को रखते हैं, जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, और स्वयं जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और सभी घर की जो छत है वो कैसी है, एकदम समतल है, फ्लैट है, और इन पेड़ों के मोटे तनों से जो है घरों को बनाया गया है, और ये जो है वो घर कहाँ पे है, पर्वतीय क्षेत्र में है। तो ये घर कहाँ के हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। देखिए बात तो हो रही है किसी ऐसी जगह की जो कि ठंडा प्रदेश है ना, क्योंकि देखिए लकड़ी का बनाया है, छतें जो है समतल है, दो फ्लोर की है, फर्स्ट फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं, अरे सॉरी डाउन फ्लोर पे जो है ग्राउंड फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे खुद रहते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं बात जम्मू और कश्मीर की, यानी कि ऑप्शन आपका ए, जहाँ पे कश्मीर के जो अधिकांश क्षेत्र है कैसे हैं, पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है पर्वतीय क्षेत्र, तो ये जो है वो कश्मीर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कश्मीर का जो क्षेत्र है इसकी प्रधानता दो विशाल काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे हैं, और यहाँ के लोग जो है अपने मकान लकड़ी के, पत्थर के, मिट्टी के, चूने के बनाते हैं, और मकान इनके जो मतलब फ्लोर्स होते हैं वो दो फ्लोर के होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो जानवरों को रखते हैं और नेक्स्ट फ्लोर पे खुद रहते हैं, और जरूरत का सामान जो है वो एकत्रित करके रखते हैं, अब स्वयं जो है वो अपने पहली मंजिल पे तो रहते ही हैं ये लोग, और साथ में जो है वो घर की छतें जो उनकी होती हैं फ्लैट होती हैं, समतल होती हैं। अब इनके जो घर बने होते हैं वो किससे, पेड़ों के मोटे तनों से बने होते हैं। तो ये सारी जो है वो थोड़ी बहुत इसकी डिटेल्स थी। आदिवासी जो है वो हजारों साल पहले से कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की चीज़ों को बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। तो कांसे के विषय में कुछ निम्नलिखित चीज़ें दी गई हैं, बताना है आपको क्या है। तो ये क्या है, तांबे और टीन का मिश्रण है, ये जो है एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण है, या फिर ये जो है वो ब्रॉन्ज और कॉपर का मिश्रण, या फिर ये जो है कॉपर और जिंक एल्युमिनियम का मिश्रण है। देखिए अगर बात करते हैं ब्रॉन्ज की, तो ये यहाँ पे पूछा कि सबसे सही कथन इसमें से कौन सा दिया है। देखिए आदिवासियों की अगर हम बात करें तो पहले जो है वो कांसे की चीज़ों को यूज़ करते थे, यानी कि ब्रॉन्ज की चीज़ों को यूज़ करते थे, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। अब यहाँ पे पूछा कि भाई क्या इसमें से मिश्रण इसमें से जो है वो सही है, तो ये जो है वो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है ये। ठीक है, तो ये जो है वो कॉपर और टीन का मिश्रण है ये। अब इसमें कॉपर कितना होता है, देखिए कॉपर इसमें होता है 88%, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज में कॉपर की मात्रा जो है वो 88% होती है, और टीन का मिश्रण तो टीन जो होता है इसमें होता है 12%, किसके अंदर, ब्रॉन्ज के अंदर, किसकी मात्रा, टीन की मात्रा कितनी 12% होती है। तो ये जो है वो तांबे और टीन का मिश्रण है, यानी कि कॉपर और टीन का मिश्रण है ये। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टैपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार। देखिए नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है। अब ये जो ये देखिए नियरेस्ट बीचेस के पास ही आपको मिलेगा,
तो सब यहाँ पे तो बीचेस, तमिलनाडु तो बीच है, पश्चिम बंगाल में भी बीच है, केरल में भी, लेकिन देखो बिहार, बिहार देखो ये सब चारों साइड से जो है वो स्टेट से घिरा है, तो आप इससे भी आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बिहार में नहीं आएगा, तो इन तीनों में से कोई हो सकता था। तो केरल में जो है ये जो है वो नारियल में डाल के करी वगैरह के साथ उबाल के इसको जो है वो खाया जाता है। इस भोजन का नाम टैपियोका है, यहाँ का जो है वो फेवरेट भोजन है ये, तो केरल का ये जो है वो प्रिय भोजन है। और यहाँ पे करते क्या है, पके हुए जो पकवान होते हैं वो टैपियोका का चावल आमतौर पे लोग करी के साथ में इसको खाते हैं। और केरल का जो नारियल है, नारियल का तेल का उपयोग खाना पकाने में ये लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश ये साइड आप चले जाओ, बिहार वगैरह, तो ये लोग जो है वो मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज़ करते हैं। वैसे ही अलग अलग सबका है, यहाँ पे केरल वगैरह में नारियल के तेल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे आमतौर पे भाई माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग कौन सा है। काला और सफ़ेद है, बैंगनी और नीला, हरा पीला, नारंगी और लाल। तो भाई कलर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ जानवरों के लिए, स्पेशली नाइट टाइम में वो कौन से रंगों को देख पाते हैं। तो रात में जगने वाले जानवर जो चीज़ को देख पाते हैं वो होता है ब्लैक और वाइट में सिर्फ देख पाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी आँखों की जो रेटिना होती है ना, वो प्रायः शंकु कोशिकाएं जो इसमें होती है वो अनुपस्थित होती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के रंगों में विभेद करने के लिए उत्तरदायित होती हैं। तो शंकु कोशिकाएं जो होती है रंग दृष्टि प्रदान करते हैं और अधिक प्रकाश में ये काम करते हैं, जबकि शलाका जो कोशिकाएं हैं वो कम रोशनी में देखने में सक्षम होती है और रात्रि को जो वो ये दृष्टि प्रदान करती हैं। तो ये लोग जो है वो जो शंकु कोशिकाएं हैं इनकी वो टाइम पे काम करती नहीं है, जो उनकी शलाका कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं। दो टाइप की कोशिकाएं होती है जिसकी वजह से हम जो है वो रंगों में विभेद कर पाते हैं। कलर्स क्यों हम देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर जो शंकु कोशिका है वो प्रॉपरली वर्क करती है, इसलिए हम नाइट में भी कलर्स को देख पाते हैं, लेकिन जानवर नहीं देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो है वो शंकु कोशिका है वो काम नहीं करती है, तो शलाका कोशिकाएं उनकी काम करती हैं। तो वो टाइम पे जिन कलर में उनको जो है वो चीज़ें दिखती हैं, एनिमल्स या बर्ड्स या फिर हम लोग आपर में, वो उनको जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल से जो है जमीन जो उपजाऊ बनती है, केंचुए जो है खरपतवार खाते हैं जिससे जो मुख्य फसल की रक्षा होती है, केंचुए जो है जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन जो है वो पोली हो जाती है, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, बात यहाँ पे करते हैं ऑप्शंस की। तो पहला पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट, तो ले देखें यहाँ पे कोई भी तीन ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं सही कारण क्या है। देखिए केंचुए जो किसान के सच्चे मित्र हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ये क्या खाते हैं, ये मृत पत्ती पौधों इन सबको खाते हैं क्या, तो जी बिल्कुल, ये इनके मल से जो है जमीन भी उपजाऊ बनती है, ये बिल्कुल सही दिया गया है स्टेटमेंट। अब केंचुए जो वो खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल जो है इसकी रक्षा होती है। देखिए केंचुए कहाँ से खरपतवार खाएंगे यार, मतलब कुछ लिमिट होती है ना, तो खरपतवार ये लोग नहीं खाते हैं। ठीक, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जी बिल्कुल, और मिट्टी जो इससे भुरभुरी बनती है, पोली बनती है कह सकते हैं, और केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। तो ये तीनों भी चीज़ें जो है बहुत ही सही चीज़ है एक किसान के लिए, इसे कहते हैं ना कि मित्र है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन इसी में जो है वो नहीं दिया गया है। बात करेंगे अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या फिर ओडिशा के उत्तर में। भाई बात करते हैं यहाँ पे झारखंड की, हमारा एक मित्र है वो भी झारखंड से ही है, तो हमें ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो झारखंड जो है वो ओडिशा के उत्तर में है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के ये पूर्व में नहीं पश्चिम में है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं दक्षिण पूर्व में है, और अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के ये दक्षिण पूर्व नहीं उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर से आपको बताऊँ, देखिए ये झारखंड जो है वो ओडिशा के उत्तर में है और पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है, और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो उसके ये उत्तर पूर्व में है। ठीक, तो झारखंड कहाँ से थे, अब आपको आइडिया हो गया। देखिए पहले तो मैप में ना झारखंड की स्थिति
यहाँ पे कुछ आती है। अब जो है ओडिशा यहाँ पे है, तो ओडिशा के ये उत्तर में आ गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आ गया, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से यहाँ पे, यहाँ से ये पश्चिम में आ गया। ठीक, अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से ये पश्चिम, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ पे कॉर्नर पे, तो इसके इस साइड ये पश्चिम हो गया। और बात करेगा छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की ये उत्तर पूर्व में, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के इस साइड क्या है, उत्तर है, और इस साइड क्या है, पूर्व, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से ये है। ठीक, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से क्या है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। इसमें जो सही ऑप्शन था आपका ओडिशा के उत्तर में था, बाकी सब रॉन्ग दिया था। निम्नलिखित में से क्या है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, कोयला, डीजल, मोम या फिर ग्रीस। तो देखिए पेट्रोलियम से है ना कोयला नहीं मिल सकता, ठीक, कोयला नहीं मिल सकता, इससे डीजल मिल जाएगा, मोम मिल जाएगा, ग्रीस मिल जाएगा, लेकिन कोयला वापस से नहीं मिल सकता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो भी पदार्थ होते हैं ना, जैसे डीजल हो गया, ईंधन हो गया, पेट्रोल, जेट ईंधन, मिट्टी का तेल, चिकनाई वाले तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमिन, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कोयला क्या है, कोयला देखो ये एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है ना, तो इससे क्या है, ईंधन के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, और इसके साथ में गंधक भी होता है। तो कोयला यहाँ पे नहीं मिल सकता है पेट्रोलियम से, बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनना है जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्मदिवस, दिवाली, गुरु नानक जन्मदिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गुरु नानक जन्मदिवस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो पूर्णिमा को मनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे होली की ना, तो होली कब आता है, होली देखो पूर्णिमा के दिन आता है, शुक्ल पक्ष में आता है, और महीना कौन सा इसका होता है, फाल्गुन होता है। ठीक है, हिंदी महीने की हम बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन कब आता है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को आता है, और ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और सावन में मनाया जाता है, सावन भादव सुना होगा ना, सावन में मनाते हैं रक्षाबंधन को। और गुरु नानक की अगर मैं बात करूँ तो गुरु नानक जयंती जब रहती है ये भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में ये भी होती है, और कार्तिक रहता है उस टाइम पे, क्या कार्तिक अपना मंथ चलते रहता है, हिंदी महीनों की बात। और यहाँ पे अगर हम दिवाली वगैरह की बात करें तो दिवाली अमावस्या के दिन मनाते हैं, हम सबको पता है, कृष्ण पक्ष में मनाते हैं और कार्तिक महीने में ही मनाते हैं हम इसे। महाशिवरात्रि की अगर मैं बात करूँ तो महाशिवरात्रि जो है वो चतुर्दशी को मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, और इसको जो है वो फाल्गुन में मनाते हैं, यानी कि ये भी जो है वो होली के आसपास ही आता है अपने। और बुद्ध जयंती की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बुद्ध जयंती जो दिया गया है, तो बुद्ध जयंती ये भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में मनाते हैं उसको, चैत्र वैशाख, वैशाख में इसको मनाते हैं बुद्ध जयंती को। तो यहाँ पे जो आपको पूर्णिमा को मनाते हैं वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन में सबसे सही दिया है, कि होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस जो है तीनों जो है वो पूर्णिमा को मनाते हैं, और तीनों जो है वो शुक्ल पक्ष में ही आता है, लेकिन होली फाल्गुन में आ जाता है, रक्षाबंधन सावन में आता है, और गुरु नानक जयंती आपकी कार्तिक में आती है। ठीक, तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपका भी चैनल है, और अच्छे काम करके हर किसी को खुशी मिलती है, तो ज़रूर करें।